गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस हम क्यों इस्तेमाल करें। तो गैस, मैं यहाँ पर करूँगा कि अभी जल्दी से 253.html नाम की फाइल बनाऊँगा और इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी जो बॉयलर प्लेट है html की वो लगा दूँगा और यहाँ पर एक थोड़ा सा दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँगा स्क्रिप्ट को ऐड करने का। और ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो मैं ट्यूट 53.js इस बार लिख रहा हूँ कुछ इस तरह से और इसको मैं वहीं पर लगा दूंगा जहाँ पर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, जस्ट बॉडी के क्लोजिंग टैग से एक कदम पहले। कहाँ गया मेरा फाइल, ये रही मेरी फाइल। मैं ऑल्ट और डाउन एरो दबाकर इसको नीचे लेकर जा रहा हूँ ताकि यहाँ पर मैं इसको अपने ट्यूट 53.js को रख दूँ। अब यहाँ पर मुझे ट्यूट 53.js को बनाना भी पड़ेगा और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूँगा, दिस इज ट्यूटोरियल 53। सिंपल सी चीज़ है और ये करने के बाद एक सेमीकोलन लगा लो और उसी के साथ साथ लाइव भी आ जाओ। लाइव आपको यहाँ 53 से आना होगा। यहाँ पर आपने ये जो ट्यूट 53.js है इसको आपने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है और उसी के साथ साथ क्या होगा कि आपका जो लाइव है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट में जाऊँ, कंसोल में जाऊँ, रिलोड करूँ तो देखो यहाँ पर दिस इज ट्यूटोरियल 53 लिख कर आ गया, जिसका मतलब ये है कि मैं भी यहाँ पर आराम से अपनी ये जो JS फाइल है इसमें कोडिंग कर सकता हूँ, वो मेरी इस पेज में रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीइंग समथिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिव डॉट कंटेनर, दिस इज अ कंटेनर। और मैं CSS बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि CSS के लिए ऑलरेडी यहाँ पर वीडियोस मैंने बना रखे हैं बहुत सारे, विद एग्जांपल्स, विद प्रोजेक्ट्स, एकदम फ्री, सब लोग आप देख सकते हैं, कोड के साथ सब कुछ दे रखा है। तो अगर आपने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है, यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लेना और यहाँ क्लिक करके इसको सेव भी कर लेना। अब यहाँ पर आते हैं जल्दी से और फंक्शन की बात करते हैं। सो गाइस, कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को कुछ काम रिपीटेडली करना पड़ता है और ऐसा करने के लिए आप लोग क्या करोगे, उस कोड को कॉपी करते हो। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को मान लो बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो किसी ने बोला लेट नेम इज इक्वल टू हैरी, अब आपको लिखना है हैरी इज़ अ गुड बॉय, तो आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखोगे और लिखोगे हैरी इज़ अ गुड बॉय। और अगर ये वेरिएबल से आना है तब आप क्या करोगे, आप लिखोगे नेम और फिर प्लस कर दोगे इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर हैरी है तो हैरी आ जाएगा, जो भी होगा यहाँ आ जाएगा और उसके बाद इज़ अ गुड बॉय आ जाएगा। तो अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊँ अभी तो ये देखो हैरी इज़ अ गुड बॉय आ गया। अब मान लो आपको यही चीज़ नेम वन के लिए करनी है, यही चीज़ नेम टू के लिए करनी है और मान लो हमारे पास बहुत सारे नाम है, जैसे कि नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, इनमें कुछ नाम दे देता हूँ और यहाँ पर सागर। और यहाँ पर आपको ये चीज़ एक एक करके सब के लिए करनी पड़ेगी, 1, 2, 3 और 4, 4 तो है ही नहीं तो 4 हटा देता हूँ। सेव किया मैंने और यहाँ पर देखो हैरी इज़ अ गुड बॉय, शुभम इज़ अ गुड बॉय, रोहन इज़ अ गुड बॉय, सागर इज़ अ गुड बॉय, चारों एक अच्छे लड़के हैं, ये प्रिंट होके आ चुका है। लेकिन क्या ये करना फीजिबल है, क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि ये जो मैं इज़ अ गुड बॉय, इज़ अ गुड बॉय लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट लिख रहा हूँ, लॉग लिख रहा हूँ बार 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 बार, क्या मैं इसको शॉर्टन नहीं कर सकता, क्या मैं इसको छोटा नहीं बना सकता? तो हाँ, मैं बिल्कुल इसको छोटा बना सकता हूँ और ये काम हम करते हैं फंक्शंस की मदद से। तो हमको कभी कभी कुछ एक्शंस अपनी जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट में बार बार परफॉर्म करने पड़ते हैं और उसके लिए हम लोग एक फंक्शन के अंदर उसको रैप कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शंस होते हैं हमारे प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि जिस तरह से आपकी बिल्डिंग जो है ईंटों से मिलकर बनी होती है, हमारा प्रोग्राम आप फंक्शन से मिलकर बना सकते हैं और उन फंक्शंस को बार बार कॉल कर सकते हैं। और ऐसा करके क्या होगा कि आप अपना बहुत सारा टाइम बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, दिखाता हूँ कैसे बचाएंगे। तो ये ना करके अगर मैं यहाँ पर मैं इसको अगर मान लो कुछ ऐसे करूँ, कमेंट आउट कर दूँ और यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शन लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ ग्रीट और उसके बाद मैं कहूँ कि जो मेरा फंक्शन है वो नाम लेता है और कंसोल डॉट लॉग करता है, बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखी है उसी को प्रिंट कर दूँगा। मैं इसको एकदम कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिर्फ कंसोल डॉट लॉग कर रहा है मेरा फंक्शन, दैट्स इट। तो अब मैं ये ना लिख कर लिख सकता हूँ ग्रीट नेम वन और उसके बाद जो जो है मेरे, नेम वन था मेरे पास, नेम टू था, फिर उसके बाद नेम थ्री था, नेम फोर था, नेम फोर नहीं था, सिर्फ नेम थ्री तक था सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने ऐसे किया, ये सिर्फ नेम था, नेम नेम वन, नेम टू,
और नेम थ्री, ठीक है। तो ये चार जो है हमने ग्रीड फंक्शंस रन किए अपने चार पैरामीटर्स के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो देखो, एरी इज़ ए गुड बॉय, शुभम इज़ ए गुड बॉय, रोहन इज़ ए गुड बॉय, सागर इज़ ए गुड बॉय, जस्ट लाइक पहले आ रहा था हमारा, अभी वैसे के वैसे ही आ रहा है। तो हमने क्या किया, कोड रियूजेबिलिटी को यहाँ पर बढ़ा दिया। जो कोड मैं बार बार रिपीट कर रहा था, कॉपी पेस्ट कर रहा था, वो बार बार मैंने ना करने की बजाय उसको एक जगह पैक कर दिया और वहाँ से कॉल कर दिया। तो यहाँ पर ये वेरिएबल था, ये मैंने पास किया एज नेम, मैंने कहा जो भी यहाँ आएगा वो एज नेम यहाँ पास हो जाए, और फिर कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहाँ पर नेम इज़ अ गुड बॉय ऐसे करके आ गया। सो आई होप कि ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था और आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लो हमें और कुछ करना होता, कंसोल डॉट लॉग कुछ और लिखना पड़ता, तो वो सब भी हम कर सकते थे। तो ये जो है, जो नेम लिखा है मैंने, ये पैरामीटर्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको ग्रीड को एक और आर्ग्यूमेंट पास कर सकता था, और मैं यहाँ पर टाइम पास कर सकता हूँ, और मान लो या फिर ग्रीट ग्रीट टेक्स्ट पास कर सकता हूँ। मान लो ग्रीट टेक्स्ट है मेरा, मान लो गुड मॉर्निंग है, मॉर्निंग, और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट ग्रीट टेक्स्ट इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग, सेमी कोलन लगाकर मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, एक और कंसोल डॉट लॉग लगा दूंगा, उसमें लिख दूंगा गुड मॉर्निंग या फिर ग्रीट ग्रीट टेक्स्ट, और फिर उसके बाद प्लस करूँगा और फिर नाम। तो ये कुछ ऐसे दिखाएगा, गुड मॉर्निंग हैरी, हैरी इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर देखो ये अनडिफाइंड बता रहा है, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अनडिफाइंड इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने इसको भेजा नहीं है, तो मुझे इसको यहाँ भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो कर्सर है उसको यहाँ लेकर आऊँगा, कॉमा लगाऊंगा और ग्रीट टेक्स्ट लिखूंगा। तो मुझे नेम और ग्रीट टेक्स्ट ये दोनों देने हैं, ठीक है। नेम और ग्रीट टेक्स्ट दोनों मैं दूंगा, और यहाँ पर ये नेम और ग्रीट टेक्स्ट दोनों यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पर नेम वन ये जो है शुभम, और ग्रीट टेक्स्ट पहुँच जाएगा जो कि गुड मॉर्निंग है। तो यहाँ पर ये बोलेगा गुड मॉर्निंग शुभम, शुभम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पर देखो, ये मल्टीपल टाइम्स जितनी बार मैंने कॉल किया अपने फंक्शन को, ये रन हो गए। और ये इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना, ये जो मैंने दिया ये एक फंक्शन की कॉल है, और मैं फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकता हूँ। ये जो चीज़ मैंने फंक्शन के अंदर लिखी है वो सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगी जब आप इसको कॉल करोगे इस तरह से। अगर आपने इसको कॉल नहीं किया तो फंक्शन के अंदर आप कुछ भी लिख दो, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा हमने स्कोप के बारे में बात किया था, अगर आप लोगों को याद है तो अगर यहाँ पर मैंने मान लो बना दिया कुछ एक लोकल वेरिएबल, मान लो मैंने यहाँ पर बना दिया लेट नेम वन इज इक्वल टू, मान लो दिस इज नेम वन, या फिर दिस, या फिर नेम वन ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नेम वन नाम का वेरिएबल बनाया, तो ये वाला जो नेम वन है वो इस नेम वन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिखाता हूँ आप लोगों को, ये जो नेम वन मैंने बनाया इसका स्कोप सिर्फ लोकल है, यानी कि इस नेम वन को सिर्फ ये फंक्शन जानता है, ये बाहर अपने कोई इफेक्ट नहीं ला सकता। तो यहाँ पर ये जो है ये फंक्शन के लोकल स्कोप में है, और ये वाला जो नेम वन है वो ग्लोबल स्कोप में, यानी कि कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने नेम वन अपना एडिट किया है, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर मैंने बनाया है, जो पुराने नेम वन थे मेरे ये सब एडिट नहीं हुए हैं। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को इसीलिए बोला था कि आप वैर यूज़ ना करें, लेट और कॉन्स्ट यूज़ करें, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट का जो स्कोप होता है वो बहुत क्लियर होता है, फंक्शन के अंदर है, यानी कि किसी भी ब्लॉक के अंदर है, या चाहे इफ एल्स हो या फिर फंक्शन हो, लेट का ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। और यहाँ पर अगर आपने लेट लिखा तो ये ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। सो आप लोग लेट का ही इस्तेमाल करना, कोई भी ऐसा आप मत करना काम जिससे आपको कन्फ्यूजन हो। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। फिर हमने यहाँ पर पैरामीटर्स की बात करी कि यहाँ पर आप ये और ये जो यहाँ पर आप ग्रीट में जो पहला लिखेंगे वो नेम के तौर पर आ जाएगा, और जो दूसरा लिखेंगे वो ग्रीट टेक्स्ट के तौर पर आ जाएगा। और इसके अंदर आप ये दोनों जो पास हुई हैं वैल्यूज़, इनको फंक्शन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर नेम वन था, ये ज़रूरी नहीं है मैं इसको ग्रीट टेक्स्ट लिखूँ, मैं इसको ग्रीट टेक्स्ट वन भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ भी मुझे फिर ग्रीट टेक्स्ट वन, ग्रीट टेक्स्ट वन, ग्रीट टेक्स्ट वन, ग्रीट टेक्स्ट वन लिखना पड़ेगा। और ये अब भी काम करेगा, क्यों करेगा ये काम, इसलिए करेगा ये काम क्योंकि नेम तो मेरा हैरी था, जब ये वाला कॉल हो रहा है ग्रीट, तो ये क्या करेगा, जो हैरी वैल्यू है वो यहाँ पर ला देगा, और जो ग्रीट टेक्स्ट वन है मेरा गुड मॉर्निंग वो यहाँ ला देगा। और किसको सौंप देगा, हैरी सौंप देगा इस वाले नेम को, यानी कि फंक्शन के नेम को, फंक्शन में ये जो नेम वेरिएबल है उसको, और ग्रीट टेक्स्ट वन यानी कि जो गुड मॉर्निंग है वो सौंप देगा ग्रीट टेक्स्ट के अंदर, और इसके बाद जो फंक्शन चलेगा वो
उसके अंदर ग्रीट टेक्स्ट की वैल्यू गुड मॉर्निंग होगी और नेम की वैल्यू क्या होगी जो भी आपने पास किया है, यहाँ चाहे हैरी किया हो, चाहे शुभम किया हो, चाहे रोहन किया हो, चाहे सागर किया हो। आई होप कि ये कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया है। ये जो ग्रीट टेक्स्ट बनाया था मैंने सेम यूज़ किए हुए थे पहले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको सेम ही यूज़ करना है। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मान लो मैं ग्रीट टेक्स्ट को ग्रीटिंग्स फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कर दूँ। अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ तो उसका क्या मतलब है ये भी बता देता हूँ। देखो अगर मैंने इसको अभी यहाँ पर इस तरह से लिखा ग्रीट टेक्स्ट इज इक्वल टू ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ग्रीट टेक्स्ट की वैल्यू ये हो जाएगी अंदर। नहीं, देख लो यहाँ पर गुड मॉर्निंग यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। जब तक आप लोगों ने कोई वैल्यू पास कर रखी है तब तक वही वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर। लेकिन ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कहते हैं इसको। ये जो है हमारा ये वैल्यू जो है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी किसकी, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी ग्रीट टेक्स्ट की। तो अगर आपने ग्रीट लिखा नेम थ्री को, आपने मान लो ग्रीट टेक्स्ट वन नहीं दिया, तो वो जो ग्रीट टेक्स्ट है वो ये ले लेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर देखो ग्रीटिंग्स फ्रॉम जावास्क्रिप्ट सागर, सागर इज़ अ गुड बॉय है। सिर्फ सागर के लिए ग्रीटिंग्स फ्रॉम आया, क्यों? क्योंकि सागर के लिए मैंने ग्रीट टेक्स्ट पास नहीं कराया था, तो इसने क्या किया डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को और आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी एकदम। फंक्शंस में चाहूँगा कि आप लोग अपना बनाएं और देखें। ये था एक तरह का फंक्शन जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये वैल्यू रिटर्न करने का क्या मतलब है। तो वैल्यू रिटर्न करने का मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है वो आपको कुछ बदले में देता हो। जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ मेरा क्या मतलब है। मान लो मैंने लेट रिटर्न वैल इज इक्वल टू ऐसे लिखा, तो क्या आएगा रिटर्न वैल में, देखते हैं क्या आया। मैं कंसोल डॉट लॉग रिटर्न वैल करता हूँ, देखते हैं क्या आया रिटर्न वैल में, अनडिफाइंड आया। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीट था ना ये कुछ अपने साथ लेकर नहीं आता है, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग कर देता है, यानी कि ये जो फंक्शन है कुछ काम करता है लेकिन कुछ रिटर्न में लेकर नहीं आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँ, जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मान लो फंक्शन सम बनाया ए बी और सी, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ लेट डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और उसके बाद मैं रिटर्न डी कर दूँ, तब क्या होगा, जो सम फंक्शन है वो रिटर्न कर देगा मुझे सम ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि इन नंबर्स का सम। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अभी मैं इस ग्रीट को हटा देता हूँ यहाँ से या फिर कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे क्या क्या हम कर रहे हैं कब कब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहे आप लोगों को। जो कोड लिखता हूँ वो आपको मिल जाना चाहिए, बस ये मेरी कोशिश है। सम, मान लो वन टू और थ्री को मैं सम करना चाहता हूँ, तो रिटर्न वैल में अब क्या वैल्यू आएगी, जो भी ये रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू आएगी, और रिटर्न नहीं कर रहा है अगर तो अनडिफाइंड आएगी। तो आप बताओ क्या आएगी वैल्यू, सबसे पहले क्या होगा, वन टू और थ्री ए बी और सी के रूप में इस फंक्शन के अंदर घुसेंगे, फिर डी इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री हो जाएगा, तो डी के अंदर छः वैल्यू आ जाएगी और रिटर्न छः करूँगा तो छः कहाँ पर मिल जाएगा, फिर रिटर्न वैल में, और यहाँ पर रिटर्न वैल मैंने कंसोल डॉट लॉक किया है तो छः प्रिंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये है हमारी रिटर्न वैल्यू। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग इतनी सिंपल रिटर्न वैल्यू नहीं करोगे, आप ऑब्वियसली कुछ कंप्यूटेशन वगैरह करके कोई बड़ी चीज़ रिटर्न करोगे। अब आप एक स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हो, आप एक इंटीजर भी रिटर्न कर सकते हो, आप एक ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हो, आप कई चीज़ें रिटर्न कर सकते हो, और वो सारी चीज़ें जो है आप लोग एक्सप्लोर करना, रिटर्न कर करके देखना। और मैं चाहता हूँ कि अपने ऑब्जर्वेशन को आप लोग कॉमेंट में बताना मुझे, कुछ भी होता है अगर कोई आपको स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाई देता है तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन है वहाँ पर नीचे जाकर लिख सकते हो। तो ये था हमारा फंक्शन। अब यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको फंक्शन को वही चीज़ पास करनी चाहिए जो कि फंक्शन में यूज़ हो रही है, वरना आपका अननेसेसरी जो है कोड अनऑप्टिमाइज बनेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो फंक्शन है, एक फंक्शन एक काम के लिए आप लोग रखें, वन थिंग एट अ टाइम। आपको बिल्कुल भी वहाँ पर खचड़ पचड़ नहीं मचानी है फंक्शन के अंदर, ये दूसरी बात हो गई। और फंक्शंस को इजी टू रीड बनाना है आप लोगों को। मुझे मालूम है आजकल जावास्क्रिप्ट ही नहीं, बहुत सारी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं जो कि अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस जो कि शॉर्टकट्स प्रोवाइड करती हैं, वन लाइनर टू लाइनर, लेकिन अगर वो वन लाइनर समझ में ही नहीं आता है, रीडेबल ही नहीं है, तब मैं कहूँगा कि आप यूज़ मत करना उन वन लाइनर्स को। जैसे कि इफ एल्स का वन लाइन जिसको बोलते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर, वो सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा कम बना देती है रीडेबल को। तो अगर आपका कोड बड़ा है और ऑप्टिमाइज्ड है और अच्छा चलता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गिवन कि आपने प्रोग्रामिंग लॉजिक बहुत अच्छी तरह से लिखा है। सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और उसी के साथ साथ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि
अगर आपने रिटर्न के बाद कुछ लिखा है फंक्शन के अंदर, तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लिखूँ और लिखूँ फंक्शन इज़ रिटर्न, तो ये देखो ये ग्रेड आउट भी कर दिया वी एस कोड ने, देखो ग्रे ग्रे हो गया, देखो अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड लिख कर आ रहा है। तो ये यहाँ पर अनरीचेबल क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन चलेगा तो जहाँ रिटर्न होता है वहाँ फंक्शन बंद हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं चलता है। तो ये जो फंक्शन इज रिटर्न लिखा ये कभी प्रिंट नहीं होगा, देख लो नहीं हुआ प्रिंट यहाँ पर। तो इसीलिए हम लोग जो है ये ना लिखें तो ही सही रहेगा। मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस लाइन विल नेवर एग्जीक्यूट, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ अनरीचेबल कोड। तो ये जो है हमारा फंक्शन था जावास्क्रिप्ट के अंदर। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और आप लोग जो है अपने फंक्शंस बनाए। मैं आप लोगों को बहुत ही क्विक क्विज देना चाहता हूँ, आप लोग मिनिमम मैक्सिमम ग्रेटर देन लेस देन के फंक्शंस बनाएं जो कि दो नंबर लेते हैं और रिटर्न करें कि क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या नहीं। वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बना कर दिखाएं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप लोग इसको नहीं देख पाएंगे अच्छी तरह से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको शुरू से लेके अंत तक देख लें, बहुत ही आराम से इस कोर्स को देखें टाइम लेके, और आप लोग डेफिनेटली एक परफेक्ट वेब डेवलपर बन जाएंगे। सो इस कोर्स को आप लोग यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना, उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।